नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका टेक्नोश्याम यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम OBS स्टूडियो 32 के अंदर जूम इन जूम आउट फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे हम जूम इन जूम आउट फीचर का इस्तेमाल करते हैं। जूम इन जूम आउट फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होती है, लेकिन जो पहले प्लगइन मैंने बताई थी वो OBS स्टूडियो 32 में काम नहीं कर रही है। आज के वीडियो में आपको मैं नई प्लगइन के बारे में बताऊंगा, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे आप इस समस्या का समाधान कर सकते हो। तो अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना OBS स्टूडियो 32 ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपना OBS स्टूडियो 32 ओपन कर रखा है। आप देख सकते हो OBS स्टूडियो 32.0.1 OBS स्टूडियो का ये लेटेस्ट वर्जन है। और अब आपको यहाँ पर नई प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। उस नई प्लगइन का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप github.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर इस साइड आप देख रहे हो कोड का ऑप्शन आ रहा है। कोड के आगे आपको एक एरो देखने को मिलेगा, इसे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर एक डाउनलोड जिप फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड जिप पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर राइट हैंड कॉर्नर आप देख रहे हो यहां पर एक जिप फोल्डर डाउनलोड हो चुका है। जिप फोल्डर को हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक कर दो, उसके बाद एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर दो। अब आप देख रहे हो OBS जूम टू माउस फिक्स ये वाला फोल्डर यहां पर आ गया। इस फोल्डर को हमें ओपन करना है। के अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स देखने को मिलेंगी। इसमें से आपको एक फाइल देखने को मिलेगी OBS जूम टू माउस डॉट लुआ। इसे आपको यहां से कॉपी कर लेना है और किसी ऐसी जगह पर ले जाके सेव कर देना जिसकी लोकेशन हमें याद रहे और गलती से ये फाइल कभी डिलीट ना हो। तो ऐसी लोकेशन पर हम इसे सेव कर देंगे। मान लो मैं इसे अपने डेस्कटॉप पर ही सेव कर देता हूं। डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। तो आप देख सकते हो OBS जूम टू माउस लुआ ये हमारी फाइल यहां पर सेव हो चुकी है। इसके बाद इसे क्लोज कर देंगे और वापस जाएंगे अपने OBS स्टूडियो। तो यहां पर वापस आ चुके हैं OBS स्टूडियो पर। OBS स्टूडियो में ऊपर की साइड यहां पर आपको एक टूल्स का ऑप्शन दिखता है, टूल्स पर क्लिक कर दो। उसके बाद इसमें आपको एक स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन आएगा, इसके क्लिक करो और उसके बाद यहाँ आपको कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसमें नीचे आप देखोगे यहाँ पर प्लस का बटन आ रहा है, प्लस के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो फाइल अभी आपने कॉपी करके सेव की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव किया था, मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हो OBS जूम टू माउस लुआ इसे हमें यहाँ सिलेक्ट कर लेना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देख सकते हो OBS जूम टू माउस डॉट लुआ यहाँ पर आ चुकी है। और स्क्रिप्ट में इस साइड आप देखोगे यहाँ पर कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आता है जूम सोर्स। यहां पर आपको अपना सोर्स सिलेक्ट करना है। जो भी डिस्प्ले कैप्चर आपने अपने OBS स्टूडियो में सोर्सेज में ऐड कर रखा है वो आपका यहां पर ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। जूम सोर्स के आगे यहां पर एरो के बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपके जो भी डिस्प्ले होंगे जो आपने ऐड कर रखे हैं वो यहां पर दिखाई देंगे। मैंने डिस्प्ले कैप्चर यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। डिस्प्ले कैप्चर मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पर कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, जूम फैक्टर, जूम स्पीड, सब कुछ आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियो में पूरा बता रखा है, आप उस वीडियो को देख लेना, उससे आप पूरी तरह से इसे सीख पाओगे। तो फिलहाल हमारी सेटिंग यहां पर हो गई। उसके बाद आपको सिंपल क्लोज पर क्लिक कर देना है। तो ये सेटअप हमारा यहां पर हो गया। उसके बाद यहां से हम अपना डिस्प्ले सिलेक्ट कर लेते हैं। जो डिस्प्ले हमारा था ये मैंने डिस्प्ले यहां पर सिलेक्ट कर रखा है। तो इसमें अभी जूम इन जूम आउट काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको कुछ हॉटकीज बनानी होंगी। तो हॉटकीज बनाने के लिए आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर हॉटकीज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहां पर हमें कुछ हॉटकीज बनानी है। तो यहां देख रहे हो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक आ रहा है टॉगल जूम टू माउस और दूसरा आ रहा है टॉगल फॉलो माउस ड्यूरिंग जूम। तो यहां पर टॉगल जूम टू माउस वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसमें मैं जेड बटन प्रेस कर दूंगा। तो यहां पर जेड बटन मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं जेड बटन अगर दबाऊंगा तो मैं उससे जूम इन जूम आउट कर पाऊंगा। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आ रहा है टॉगल फॉलो माउस ड्यूरिंग जूम, तो यहां पर मैं इसे एक्स बटन प्रेस करके इसे एक्स बटन बना देता हूं। यानी जब मैं एक्स बटन प्रेस करूंगा तो उससे मैं टॉगल कर सकता हूं कि मेरा जो माउस है वो फॉलो करेगा जूम के दौरान या फॉलो नहीं करेगा। तो वो हम यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। बस सारी सेट
सेटिंग यहाँ पर हो गई, उसके बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब डिस्प्ले पे आप देख रहे हो, इस समय मैं माउस यहाँ पर इस तरह से माउस लेके जा रहा हूँ। अब मान लो मुझे अपने डिस्प्ले को कहीं पर जूम इन करना है, मान लो ये वाला पोर्शन है, यहाँ आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन है, इसे मुझे जूम करके दिखाना है। तो सिंपल है, आपको अपने कर्सर को जहाँ भी आप लेके जाओ, जो आपको जूम करना है वहाँ अपने कर्सर को लेके जाओ और उसके बाद सिर्फ जेड का बटन प्रेस कर दो तो ये जूम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जूम हो चुका है। और उसके बाद अगर मैं माउस को इस तरफ लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये माउस के साथ फॉलो हो रहा है, यानी जो हमारा जूम फंक्शन है वो फॉलो हो रहा है हमारे माउस के कर्सर के साथ। अब आप चाहते हो एक जगह इसे फिक्स करना तो एक्स का बटन दबा दो तो ये एक जगह फिक्स हो जाएगा। अभी ये माउस इस तरह से मैं मूव करा रहा हूँ तो ये पूरी स्क्रीन इस तरह से मूव हो रही है, फॉलो कर रहा है ये हमारा कर्सर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इसे फिक्स करके रखूँ, मान लो ये पॉडकास्ट है, मैं पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स के बटन को प्रेस कर दूंगा। अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो सारा मैं एक जगह दिखा सकता हूँ। और अब मैं माउस को अगर इधर उधर ले जा रहा हूँ तो माउस फॉलो नहीं कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ फिर से ये फॉलो करे तो मैं सिर्फ फिर से एक्स के बटन को दबा दूंगा तो ये इस तरह से फॉलो करने लगेगा। ये देखिए ये फॉलो करने लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि इसे जूम आउट करना हो तो फिर से जेड के बटन को प्रेस कर दूंगा तो ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और इसकी स्पीड को भी आप कम ज़्यादा करना चाहो वो भी कर सकते हो, और जो जूम फैक्टर है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। वो सारी सेटिंग्स आपको इसके स्क्रिप्ट की सेटिंग्स में मिल जाएंगी। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो। तो मित्रों, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप OBS Studio 32 के अंदर जूम इन जूम आउट का फीचर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका OBS Studio से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।